मुरादाबाद के अगवानपुर दीवान शुगर मिल में आज ट्रिपल एस के सॉल्यूशन सर्विसेज के जनरल मैनेजर अक्षय यादव ने दीवान शुगर मिल्स पहुंच और अगवानपुर मिल में सुरक्षा गार्ड के पद पर कार्य कर रहे सुरक्षा गार्डों को नए साल के कैलेंडर वितरण किए। सुरक्षा गार्डों को ड्यूटी करने के कुछ नियम बताएं, जिस पर मीडिया से बात करने पर ट्रिपल एक्स के जनरल मैनेजर अक्षय यादव ने बताया कि हमारी कंपनी 5 स्टेटों में काम कर रही है, जिस पर हम 5 राज्यों में सुरक्षा गार्डों को नौकरी प्रोवाइड कराते हैं और हमने अपना मोबाइल नंबर भी गार्डों को दे रखा है। मोबाइल नंबर है 9760488292 और सभी सुरक्षा गार्डों को आने वाली सभी सुविधाओं का समय पर लाभ देते हैं। कभी किसी सुरक्षा गार्ड को कहीं भी हमारी आवश्यकता होती है तो हम तत्काल मौके पर जाकर उसकी समस्या का समाधान करते हैं। उसी के साथ मिल में उपस्थित सिक्योरिटी इंचार्ज कैप्टन नरेंद्र सिंह ने बताया, हमारे अंडर में मिल में कार्य कर रहे 81 सुरक्षा गार्ड है जिनका हम पूरी तरह से ध्यान रखते हैं और जरूरत पर आने वाली सारी सुविधाएं देते हैं। हमने भी सर्दी का मौसम देखते हुए अपने सभी सुरक्षा गार्डों को टोपे वितरण की है। मुरादाबाद से ब्यूरो चीफ शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। सर, क्या नाम है आपका? मैं एक्स आईटीबीपी अक्षय यादव, ट्रिपल एस सिक्योरिटी सॉल्यूशन सर्विसेज में जनरल मैनेजर के पद पर कार्य करता हूँ। अच्छा सर, आपने जो सिक्योरिटी रखी तो कौन कौन से स्टेट में आपकी सिक्योरिटी काम कर रही है? देखो, हम लगभग अभी फिलहाल 5 स्टेट में काम कर रहे हैं, जैसे यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। अच्छा, आपको कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए तो कितना टाइम लग जाएगा? ये रिक्वायरमेंट जो हम पहले, देखो ये प्रोसेस होता है, पहले हमारी क्लाइंट से मीटिंग होती है, रेट अप्रूवल होते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट कितनी मैन पावर की है वो सब फाइनल होने के बाद लगभग हमारे को 15 डेज का टाइम चाहिए। अच्छा, इस टाइम पे कितने लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं? हमारी ट्रिपल एस सिक्योरिटी सॉल्यूशन सर्विसेज में अभी फिलहाल के टाइम पे लगभग 2000 आदमी काम कर रहे हैं सिक्योरिटी सर्विस। अच्छा, अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या क्या सुविधाएं आपने मुहैया करा रखी हैं? सिक्योरिटी के लिए देखो, हम जो रिक्रूटमेंट करते हैं अपने सिक्योरिटी गार्ड का या सिक्योरिटी सुपरवाइजर या सिक्योरिटी गनमैन का, तो उसके लिए पहले सबसे पहले तो प्रथम उसकी सैलरी होती है कि उसकी सैलरी टाइम से जाए, 7 से 10 तारीख के बीच में हम लोग यहाँ से सैलरी सभी की चली जाती है। उसके बाद उनका फंड है, पीएफ है और ईएसआई है। हम अपने सभी लोगों को ईएसआई में कवर करते हैं, जो एक गवर्नमेंट की तरफ से एक संस्था है ईएसआई, वो मेडिकल हेल्थ के लिए कवर होता है, उसमें उसकी फैमिली भी और वो भी। अच्छा, सिक्योरिटी के लिए क्या क्या ट्रेनिंग देते हैं आपको? ट्रेनिंग में हम सिक्योरिटी को सबसे पहले तो उनको हम रिक्रूटमेंट के दौरान उनकी हाइट, वेट और उनका मेडिकल हेल्थ ये चेकअप कराते हैं। उसके बाद उनको ट्रेनिंग देते हैं डिसिप्लिन की सबसे पहले, ताकि वो जिस भी संस्था में काम करता है उसका सबसे पहले काम है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में रहकर वो उसके बाद जो उनकी ट्रेनिंग होती है सिक्योरिटी संबंधित, गेट पर जिसकी ड्यूटियाँ हैं, अलग अलग पोस्टों पर ड्यूटियाँ होती हैं, तो गेट पर आने जाने और लोगों की सबकी सर्चिंग करना और जो भी मटेरियल इन आउट हो रहा है उसको गेट पास या उसके टोटल पेपर डॉक्यूमेंट्स देखना। किसी भी संस्था में जहाँ पर हमारी सिक्योरिटी लगती है वहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर उस संस्था में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, ये सब चीज़ों की ट्रेनिंग, फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग, ये सभी ट्रेनिंग हम प्रोवाइड कराते हैं। सिक्योरिटी के लिए कम से कम कितने क्वालिफाई होने चाहिए? हाँ जी, कितना क्वालिफाई बनना चाहते हैं? हम जो गार्ड की हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो कम से कम 10th पास होती है, और सुपरवाइजर जो हमारा होता है वो ग्रेजुएशन, और जो हम एसओ या सीएसओ पोस्ट पर जिसको हम सिक्योरिटी इंचार्ज करते हैं उसको रखते हैं, वो हमारा एक्स आर्मी होते हैं, और उनको तो एक्स आर्मी वालों को तो पूरा अपना 20 साल का या 25 साल का एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, अगवानपुर दीवान मिल में भी आपकी सिक्योरिटी है? अगवानपुर दीवान मिल में हम 1.5 साल से काम कर रहे हैं, हमारे लगभग यहाँ 70 आदमी सिक्योरिटी स्टाफ में काम कर रहे हैं, और उसकी परफॉर्मेंस के बारे में आप हमारे सीएसओ साहब से पूछ सकते हैं कि हमारी सिक्योरिटी की परफॉर्मेंस किस टाइप की है। अच्छा, सिक्योरिटी के लिए कौन क्या पुरस्कार दिया?